सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुख की बात यह है कि उल्लासनगर क्षेत्र में यह घटना घड़ी है। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा बने गए कृत्रिम घाट में यह घटना घड़ी है, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी इस पर ना कोई स्टेटमेंट दिया है, ना मिलने आया है, ना इसकी कोई छानबीन की है। मैंने व्यक्तिशः कमिश्नर सर को फ़ोन किया, सर ने कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसका वो छानबीन कर रहे हैं। मैंने नेटकी जी को कॉल किया था, नेटकी जी तुरंत यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ अधिकारियों का तो ऐसा कहना है कि ये सब महानगर पालिका की जिम्मेदारी है क्या, पालकों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्या। तो मैं पालिका से पूछना चाहता हूं कि उल्लासनगर महानगर पालिका यानी प्रशासन, ये प्रशासन ही हम शहरवासियों का पालक है, आपको हमारी जिम्मेदारी लेनी है। या अगर ये गणेश घाट आपने बनाया है तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि इसकी सुरक्षा आप बनाए, लोग यहां पर आए तो सुरक्षा के साथ आए, अगर सुरक्षा नहीं है तो लोग यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये सारी व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, आपकी लापरवाही है, आप ये जनता पर ढो नहीं सकते, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और जो भी इसमें अगर कोई कसूरवार है तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यहां पर ये पहली घटना नहीं है, मेरे सुनने में अभी आया है कि 2-3 साल पहले भी एक बच्चे की यहां पर डूब के मौत हुई है, उसके बावजूद भी प्रशासन की अगर आंखें नहीं खुल रही है तो प्रशासन को नींद से जगाने के भी तरीके जनता के पास है और ये जल्द आपको दिखाई देंगे। आखिरकार एक बच्चे के गणेश विसर्जन घाट में डूबने से हुई मौत के बाद उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और हीरा घाट पर बनाए गए गणेश विसर्जन घाट से पानी के निकालने का काम शुरू किया गया है। अगर यह काम कल ही कर दिया गया होता तो शायद 6 साल के राजवीर की मौत नहीं होती। जहां 6 साल के राजवीर की हुई मौत को लेकर परिजन उसे उल्लासनगर मनपा प्रशासन की लापरवाही बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज रविवार को सुबह से ही उल्लासनगर मनपा कर्मियों की तरफ से गणेश विसर्जन घाट से पानी निकालने का काम शुरू किया गया था, जहाँ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया गया। कुछ 4 बजे के आसपास से वो मिसिंग था, तो कुछ बच्चों का ऐसा कहना था, वो यहाँ पे सब बच्चों नहा रहे थे हीरा घाट के, बच्चे तो कुछ हमारे एरिया के लोग थे, जो शाहरुख शेख, टोनी और गणेश सागर जैसा अपना हिरनवार वगैरह सब लड़के वहाँ पर थे, ढूंढ रहे थे उसको, काफ़ी कोशिश कर रहे ढूंढने की। तो काफ़ी देर के बाद उनको जब मूर्ति निकालने के टाइम पे वो बच्चा ऊपर आ गया, जो मूर्ति निकालने का जिसका कॉन्ट्रैक्टर है जो राकेश सिंह, अजय सिंह का, बच्चा दिखा तो सागर ने मुझे फ़ोन किया उस वक्त, तो सागर ने फ़ोन किया तो मैं भागते आया, तो पहले देखा तो मैंने पुलिस वगैरह भी थी यहाँ पे, सब लोग थे, तो मैंने पहले वो बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की, बाहर निकाला मैंने तो निकालने का, हम लोग हॉस्पिटल उस बच्चे को लेके गए और मैं बच्चे को फिर पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है और पुलिस काफ़ी देर से मैं प्रेशर, बच्चे का अंतिम विदा किया, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है हम अंतिम विदा नहीं करेंगे जब तक कॉर्पोरेशन और प्रशासन के ऊपर कुछ तनाव नहीं आता है या कुछ जिसका प्रकार नहीं होता या कंप्लेंट नहीं होती है जो ठेकेदार है, तो जब तक हम कोई चीज़ करेंगे नहीं। और कॉर्पोरेशन हमारी ये निवेदन है, ये हर वक्त गणेश घाट कम हो गया है, मृत्यु घाट ज़्यादा हो गए, 3 साल पहले भी बच्चे यहाँ पे गया था एक और आज वापस ये वही घटना घटी है। तो यहाँ पर पहले सिक्योरिटी थी, वॉचमैन था, सब कुछ था, आज दूसरे दिन ही वॉचमैन वगैरह सब हटाया जाता है, पुलिस बंदोबस्त हटाया जाता है, चलो पुलिस बंदोबस्त हटाया जाएगा क्योंकि वो पुलिस की ड्यूटी, पुलिस अपने अपने जगह ड्यूटी करेगी, पर जो ठेकेदार होता है जब तक पानी रिस्की नहीं हो जाता, सब कुछ होता नहीं, तो उनको यहाँ पर वॉचमैन वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह कुछ ना कुछ बंदोबस्त रखना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर लापरवाही है कि यहाँ पे एक झोपड़पट्टी हीरा घाट की है तो एक पवई की झोपड़पट्टी है और यहाँ पे पवई के भी कुछ लोग हैं जो झोपड़पट्टी के लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे ही नहीं कहीं के भी लोग अपघात हो चुका है काफ़ी टाइम पे और दोबारा ना हो, इसकी जवाबदारी कॉर्पोरेशन को लेनी चाहिए। महापालिकेनं मागील काही वर्षापासून इथं गणेश घाट कृत्रिम तलाव बनवलेला आहे आणि ते ठेकेदाराला देत असतात भाडेतत्वावर गणेश विसर्जनासाठी, पण काल रात्री लहान मुलं इथं खेळत असताना त्यातील एक राजवीर नितीन बेलेकर या नावाचा 5 वर्षाचा मुलगा खेळता खेळता त्या पाण्यात पडून त्याचं दुःखद निधन झालेलं आहे। तरी सर्वस्वी जबाबदारी महानगरपालिका
प्रशासनाची आहे आणि जोपर्यंत महापालिका याची जबाबदारी घेत नाही तोपर्यंत त्याचे नातेवाईक व आमच्या विभागातील नागरिकांचं म्हणणं असं आहे की बॉडी ताब्यात घेऊ नये, पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी अशी त्यांना विनंती आहे। विसर्जन झाल्यावर त्यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळ काढून नेलेलं आहे। इथं कोणी सिक्युरिटी गार्ड्स वगैरे काहीच नव्हते, तेच आमचं म्हणणं आहे की कमीत कमी त्यांनी विसर्जनाची जबाबदारी घेतलेली आहे तर त्या 2-4 दिवस तरी इथं सिक्युरिटी गार्ड्स ठेवायला पाहिजे होते, त्यांनी ठेवलेले नाहीत। त्यांच्या गलथन कारभारामुळेच हे वडवलेलं आहे आणि ह्यापुढे असं घडू नये अशीच आमची इच्छा आहे। आपलं नाव? माझं नाव शिवाजी मारुती हावळे, शिवसेना उपविभाग प्रमुख, उल्हासनगर 3। उल्हास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्हास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।